देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। स्वतंत्रता दिवस के स्पीच को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी भाषण में तब्दील कर दिया, और इतना ही नहीं आजादी के जश्न को उन्होंने मोदी पर सियासी हमले का मौका भी बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम तो उस स्थिति की कल्पना करते हैं कि किसी को मजबूरी में बिहार से बाहर न जाना पड़े, बल्कि बिहार में इतना काम हो कि बाहर के लोग, बिहार के बाहर के लोग रोजगार की तलाश में बिहार आए और यहां रोजी रोटी पाए। वो बिहार बनेगा, जरूर बनेगा, और बिहारियों के बल पर बनेगा, किसी की कृपा और मेहरबानी से नहीं बनेगा। अरे देना है तो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, छिटपुट देने से कोई फायदा नहीं। देना हो, हम पैसा नहीं मांगते, हम तो नीतियों का समर्थन मांगते हैं। देना ही है तो विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, बाकी रखिए अपने पास। ऐसा होने से बिहार तरक्की करेगा, और तरक्की करेगा, कर रहा है तरक्की, अपने बलबूते पर तरक्की कर रहा है। याद कीजिएगा, आज से 3 साल पूर्व आज ही के दिन 15 अगस्त 2012 को मैंने यहीं से ऐलान किया था कि हम बिजली की स्थिति को सुधारने में लगे, और यह वादा किया था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाएंगे तो 2015 में हम आपके बीच में वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमने पूरे तौर पर बिजली की स्थिति में काम शुरू किया। हम जो बोलते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। मैं वो बात कभी बोलता ही नहीं हूं जिसको कर न पाऊं, और अगर एक बार कह दिया तो चाहे जो कुछ भी हो जाए हम अपने दिए गए वचन पर कायम रहते हैं, और यही कारण है बहुत सारी बाधाएं आई। 10 साल का हिसाब भी देना था कि आखिर 10 साल से मुख्यमंत्री रहे तो किया क्या। एक छोटे से